गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल बी हैप्पी एट योर होम। नाउ टुडे आई टीच यू चैप्टर 11 कन्वेंस ऑफ टाइटल। नाउ टू एक्सरसाइज आई हैव टॉट यू। नाउ हियर एक्सरसाइज 11 डी। नाउ इन दिस एक्सरसाइज की एग्जांपल यू हैव टू फाइंड आउट फॉर एग्जांपल टेंगे ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। यू नो दैट आइसोसेलस मीन व्हेन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल द ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलस। जैसे ए बी सी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी यानी दो साइड का। तो आप जानते हो कि जब दो साइड बराबर हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, यानी कहने में जितना ये होगा उतना ही रहेंगे। तो हम इसको निकालना है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि सम प्रॉपर्टीज क्या होती है। नाउ वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ओके, नाउ एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी सी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए सी बी एंड ए बी सी बोथ एंगल आर बराबर इक्वल, ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। अब देखिए, नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए इज 40 डिग्री। एंगल ए सी बी एंड ए सी बी ए बी सी की जगह पर क्या लिखेंगे ए सी बी लिखेंगे और 180 डिग्री। नाउ 40 प्लस तो टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। आप 40 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मीन 140 डिग्री। नाउ एंगल ए सी बी इक्वल टू 140 अपॉन 2 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए बी सी एंड ए सी बी बोथ आर इक्वल देन 70 डिग्री। यू कैन राइट हियर 70 डिग्री। ये क्या है 70 डिग्री, ये होगा 70 डिग्री ये होगा। अब हमको निकालना क्या है एक्स की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं कि ये लीनियर पेयर होता है। क्या है ये लीनियर पेयर का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो जब एक्स निकालना होता है हम क्या करते हैं 180 में से 70 को माइनस कर लेते हैं तो ये एक्स मालूम हो जाएगा। उसी तरह से जब 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो वाई मालूम हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्या हुआ है एक्स इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी, ऐसे आप लोग करेंगे इसको 180 माइनस 70 मीन्स 110 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री और वाई हो जाएगा आपका 110 डिग्री ए। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 11 डी ऑन दिस बेसिस।